आ रखे हैं संतोष माता के मंदिर में यहाँ पे हरिनगर में, और बाकी पतिदेव के साथ जाके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। बोलिए बल्कि अपनी फोटो खींच रही है और अपने आप हंस रही है, मतलब दादी यार मेरी ओपिनियन सुन तो तेरे फोटो सुन तो दादी देख धोती धोती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं संतोष माता के मंदिर में यहाँ पे हरिनगर में, और हम पहले उधर वाले मंदिर में जा रहे थे तो फिर इन्होंने बोला कि इधर चलते हैं उसके बाद जाएंगे काली माता के मंदिर में, तो हम यहाँ पे आ गए और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। बाकी यहाँ पे कोई भी दुकानें नहीं लगी हुई है और सामान भी हम कुछ लेके आए नहीं है। धूप बत्ती लाई थी वो भी सामने वाले मंदिर के, तो चलो हमने ना बाइक पार्किंग में लगाई और उसके बाद बाहर हमने पता किया, तो तब तक एक दुकान दिख गई मुझे, तो वहाँ से खरीदे हमने केले क्योंकि माता रानी में केले का ही प्रसाद चढ़ता है संतोषी माता में। तो चलिए जी अंदर चलते हैं। चलो तुम लाओ ना बाइक। तो अभी हम माता रानी के दर्शन करके बाहर भी आ गए हैं क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई माता रानी की, ताकि हमने अच्छे से दर्शन तो कर लिए थे उसके बाद आ गए हैं बाहर। चलते हैं काली माता के मंदिर में। आज भी दर्शन होगी बहुत अच्छे बात, जय माता रानी। ये पूरा तिहाड़ से भी है, वहाँ से भी है और यहाँ से भी है, बहुत बड़ा है ये। तो गाइस पहली बार ये बाइक आराम से चला रहे और मुझे बहुत खुशी हो रही है, नहीं तो मुझे डर लगता है इनके साथ, ये बहुत तेज चलाते हैं बाइक। तो अभी हम अपने स्टैंड पे भी पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे काली माता का मंदिर, तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद चलेंगे घर। तो बोलो काली माता की जय। सोनो राम सा। अभी माता रानी के मंदिर में पहुंच गए हम, जय माता रानी। तो चलिए जी अभी टाइम 6:15 हो रहा है, हम घर पे भी पहुंच गए हैं और अब मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और अब मैं बनाऊंगी सब्जी चढ़ा देती हूँ क्योंकि ना आज मेरा बर्थ है, बाकी दीदी लोगों का पहला और लास्ट वाला है, तो इसीलिए हम जा रही हूँ किचन में और बाकी अब करूँगी सारा काम क्योंकि आज मैंने काम नहीं किया। और तो गाइज अभी दीदी रोटी बनाने लग गई है और टाइम हो रहा है 7:15 और अब मैं थोड़ा तो दोस्तों अभी टाइम 9:30 हो गया है और झाड़ू पोछा करने के बाद आ गई हूँ मैं छत में और दोबारा से नहा भी गई हूँ क्योंकि आज व्रत है ना, तो झाड़ू पोछा लगाया है तो फिर दोबारा से नहाई मैं। और बाकी अभी कपड़े डालने आई थी यहाँ पे और सासू जी ने बोला था कि बाल्टी लेके आ जल्दी और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लग गई और वो कपड़े ही लेके आ गए, ऊपर बाल्टी तो नीचे पहुँची नहीं, तो चलिए इधर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आ गए वो कपड़े लेके, आधे तो मैंने सुखा दिए हैं और वैसे ही सासू जी भी सुबह ही नहा गए थे 4 बजे, मेरे से पहले वही नहा गए थे पर वो पार्क गए थे, तो फिर अब दोबारा से वो भी नहाएंगे। वैसे अभी सासू जी तो चले गए हैं नीचे और बाकी मैं ऊपर ही हूँ छत में। तो आज ना पहली बार इन्होंने बोला कि चल आज मंदिर चलते हैं, तो मैंने बोला चलो चलते हैं, तो सुबह सुबह आज हम जल्दी से मंदिर चले गए थे, तो हम गए थे हरिनगर में संतोषी माता के मंदिर और उसके बाद गए हम बाद आए हम यहाँ पे काली माता का मंदिर है मेन रोड में, तो वहाँ पर गए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुबह सुबह मंदिर में जाके, बाकी पतिदेव के साथ जाके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए जी अब मैं भी नीचे चलती हूँ और बाकी आज ना मैंने सिलाई का काम निपटाना है, कल सूट जाएंगे ऋषिकेश सिले हुए। तो अभी मैंने फिर से मशीन निकाल दी है, इधर देखिए पजामा आज इसको पूरा करना है मैंने किसी भी हालत में, और उधर हमारे आलू दिख रहे हैं वो मत देखो आप। तो चलिए इधर चलती हूँ मैं भी, ज़रा मन नहीं कर रहा है, 5 मिनट बाद करूँगी। इधर दीदी नाश्ता करने लग गई है और अभी मैं दीदी के साथ बैठूंगी थोड़ी देर, मेरा मन कर रहा है उनके साथ बैठने का, है ना। अभी दादी जी और दीदी चुंबक लगा रहे हैं और मैं इधर सिलाई कर रही हूँ,
ये देखिए मिली हमारे दादी जी से और दोस्तों कल जा रही है दादी गांव। ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ा है ये ऐसी है अपनी खींच रही है अपनी लगा रही है दादी बोल रही है बल्कि अपनी फोटो खींच रही है और अपने आप हंस रही है मतलब दादी यार मेरा पीने तुम तो तेरे फोटो खींचो दादी अब देख चलिए गाइस फाइनली आज सारे सूट कंप्लीट हो गए हैं ये देखिए और अब मैंने सिर्फ एक कुर्ता रह गया जिसपे तुलपाई करनी है बाकी सारा काम आज फिनिश हो गया आज से मशीन बंद। तो अभी दादी बालकनी में बैठी हुई है और बाकी दीदी लगा रही है सासू जी के बालों में मेहंदी तो सासू जी की चल रही है गांव जाने की तैयारी कल जाएंगे वो गाँव और बाकी तो अभी सिलाई तो हो गई है पूरी बाकी तुलपाई करनी रह गई वो अभी करूंगी तब तक मुझे याद है कि दादी जी को बोलती हूँ कि मुझे गति धोती पहनना सिखाओ तो आज दादी से सीखेंगे हम गति धोती अगर पहन पाई तो ठीक है मतलब दादी पहना पाई तो दादी को दादी लोग पहले पहनते रहे होंगे ना तो दादी बोल रही कि तुझे पहना दूंगी पर मैं नहीं पहनूंगी तो मैंने बोला आप मत पहनो मुझे पहना गति धोती सिखा दे हम मिलवाल गति धोती हम दाल चला देती हूँ अभी दादी जी नहीं सिखा पाई मुझे तो दादी जी ने तो अपनी लगा दी है बट मेरी नहीं लगा पाई दादी जी ये देखिए टाइम 2 बज गए हैं और अभी मैं मतलब अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है मशीन का काम पूरा हो गया था प्रेस करने रह गए सूट तो अभी मैंने बटन वगैरह लगाए और फिर अब प्रेस करने बैठ गई हूँ इधर देखिए बाकी दीदी लोग अभी भोजन कर रहे हैं और मैं इधर प्रेस कर लेती हूँ उसके तो दोस्तों अभी टाइम 6 बज गए हैं और हम फिर से खाना बनाने की तैयारी करने लग गए हैं शाम के खाने बनाने की तैयारी बाकी चाय पानी हमने पहले ही पी ली थी 5 बजे और अभी दाल चढ़ा रखी है हमने वो देखिए और दीदी उधर तल रही है करेले तो आज तले हुए करेले की शुरुआत हो गई गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तले हुए करेले तो आज से शुरुआत कर दी है दीदी ने बट मेरा तो बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी देर में करूँगी अभी पूजा तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ आज के लिए बस इतना ही बाय बाय दीदी बाय बाय करो बाय बाय इन्होंने सुबह हाय तो नहीं किया तो बस शाम को बाय करने के लिए तैयार है चलिए गाइस बाय बाय।